हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज बनाने वाले हैं हम अंडा कढ़ी। तो आप स्क्रीन पे देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम अंडा दिख रहा है इसके ऊपर। तो आइए हम फटाफट अंडा कढ़ी की रेसिपी देखते हैं और हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अंडा कढ़ी कैसे बनाते हैं। तो हम लिए हैं उबले हुए अंडे, आपको 10 या 9 अंडे हैं जो आपको दिख रहा है। हमने लिया है ग्रेवी के लिए 4 टमाटर, ये भी कट करके नहीं रखा है, और लिया है 4 मीडियम साइज का प्याज, पूरा 1 जवा लहसुन का, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 4 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम पैन को ये गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई रख दी हूँ। इसके अंदर हमें एक को फ्राई करना है, सेलो फ्राई। तो उसके लिए हम इसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देते हैं, तेल को गर्म कर लेते हैं। जब तक तेल हमारा गर्म होगा तब तक हम अपना अंडा फ्राई की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर ऐसे अंडा डालेंगे तो फटने की ज्यादा होता है कि फटता है, इसलिए इसको अंदर ग्रेवी भी जाएगा अगर आप ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो फटाफट हम इसको ले लीजिए। सारे अंडे में जो हम छोटा छोटा सा होल कर लिया हमने, ये देख सकते हैं आप, है ना, ऐसे चम्मच से। आप चाकू से भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं हल्दी थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करके लोट पोट कर लेते हैं, और इसको इसके अंदर जो है हम ऐड कर देते हैं। हमने सारे अंडे को जो है एक कढ़ाई में डाल दिया है, ऐसे धीरे धीरे इसको अच्छे तरीके से जो है सेलो फ्राई कर लेना है हमें। और आप चाहे तो ऐसे भी एक अंडा कढ़ी जो है बना सकते हैं। अब आइए हम फटाफट प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज को हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं, और आप चाहे तो इसका ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो हमने इसे चॉप किया है। हमने प्याज को सारा जो 4 प्याज लिया था और मीडियम साइज का, उसे हमने चॉप करके रख लिया है। अब रुक करके हम अपने एग की तरफ, एग भी हमारा सेलो फ्राई अच्छे से हो गया है ये देखिए, और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल है थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच जो है ऑयल डालेंगे, और अपना प्याज को जो है बिल्कुल बढ़िया से भूनेंगे, क्योंकि हमें उसमें ग्रेवी तैयार करना है। 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर जो है और ऑयल यूज कर लिया है, और इसके अंदर हम जो है तड़का लगा लेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर 2 हम डाल दिए हैं तेज पत्ता, और 1 बड़ा चम्मच जो है हम डाल लेते हैं इसमें जीरा। जीरा थोड़ा तड़क जाए हमारा इसके अंदर। हमने इसमें 1 फ्राई किया था इसलिए येलो दिख रहा है। तो जीरा हमारा फ्राई जो है पूरा भून गया है, स्मोकिंग हो रहा है इसके अंदर से। अब डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ प्याज हम इसके अंदर ही डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से हमें भूनना है, बहुत अच्छे से पकाना है इसको। इसी के साथ हम हरी मिर्च जो है इसके अंदर कट करके डाल लेंगे। आप चाहे तो प्याज के पहले भी डाल सकते हैं, बट बहुत झाग आता है इसलिए हम उसके बाद डाल रहे हैं। तो हमने 4 मिर्ची डाल रखा है इसमें हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें सूखा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम करके इसे ढक लेते हैं। एक बार अपना हम प्याज को चेक कर लेते हैं, ये लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए, काफी अच्छे से पक रहा है ये। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और जल्दी हो जाए इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, 1/2 चम्मच, ताकि प्याज जो है हमारा जल्दी से जो है गल जाए।
और इसको अच्छे से मिक्स करके इसे ढक लेते हैं फिर से। आज जो फ्लेम है हमारा गैस का बिल्कुल मीडियम रहने दे, नहीं तो बीच बीच में ये जो है पकड़ लेगा नीचे कढ़ाई, इसलिए बीच में चलाते रहे इसे। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है, जो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है भून के, ये देख सकते हैं। हमें भी इसमें टमाटर भी ऐड करना है, तो हम इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने टमाटर, चार टमाटर जो है वो कद्दूकस करके कट करके रखा हुआ है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें भी इसका पेस्ट बनाना है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो देखिए टमाटर जो है और प्याज बहुत अच्छे से जो है हमारा पक गया है ये। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है देख के ही, देखिए बहुत गल गया है अच्छे तरीके से। इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले जो बेसिक होते हैं, तो हम डाल देते हैं इसमें आधा टीस्पून जो है काली मिर्च पाउडर, इसमें डाल देंगे हल्दी कलर के लिए एक चम्मच, बेसिक मसाले में हम डाल रहे हैं एक चम्मच जो है जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें ही डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से पकाएंगे। हमने जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट रखा था उसे हमने पेस्ट बना लिया है, अब इसको इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। सारे मसालों को जो है मिक्स करके और अच्छे से हमें पका लेना है। मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे सब्जी और ग्रेवी हमारा जो है बहुत बढ़िया बनेगा, जायकेदार, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हम हर चीज को जो है मिक्स कर लिए है अच्छे से और बिल्कुल मीडियम साइज आंच पे जो है आप पका ले मसाले को। इसको ढक लेते हैं। देखिए मसाला जो हमारा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है ये पक गया है। आपको मसाला 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से जो है पका लेनी है, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से ये पक के बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा दिखने लगेगा, कढ़ाई छोड़ने लगेगा, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं ग्रेवी के लिए। तो हमने लिया है ये ग्लास, जिससे एक ग्लास पानी ऐड किया है, एक ग्लास पानी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसको देख लेते हैं, ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप रोटी के साथ खाना चाहो खा सकते हो, रोटी नान चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी एक ग्लास और ऐड कर लिए हैं और हमारा जो ग्रेवी है बन गया है बिल्कुल। ग्रेवी इसके अंदर जो है बिल्कुल हमें जितना चाहिए हमने रख लिया है। इसमें एक अच्छी उबाल आने देते हैं और इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने पहले भी प्याज में ऐड किया था तो इसके हिसाब से ही डाले हमने, लगभग एक बड़ा चम्मच, ये छोटा वाले चम्मच से जो है नमक ऐड कर लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार अपने घर में नमक यूज कर सकते हैं। और इसे मिक्स करते हैं, एक अच्छी उबाल आने देते हैं, फिर हम उसमें अंडे को जो है इसमें सर्व कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, ग्रेवी में एक अच्छी उबाल आ गई है आप देख सकते हैं, और कितना बढ़िया से जो है हमारा ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत परफेक्ट बना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसका। ग्रेवी आप अपने हिसाब से अपने घर में रखें। और इसके अंदर हम एग जो है ऐड कर देंगे। एग कढ़ी जो है बन के तैयार हो चुका है, इसको बस 1 से 2 मिनट है जो इस अंडे को जो हमने डाला है इसके अंदर पका लेंगे। और इसके साथ ही इसको गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा धनिया पत्ता डाल लेते हैं, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। जो है इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब जो हमारा एक कढ़ी है खाने में बहुत ही बढ़िया और जायकेदार बन गया है। तो आज आप इस रेसिपी को जरूर घर में ट्राई करें और बनाएं, और हमें बताएं कि कमेंट करके बताएं कि हमारा बनाया हुआ रेसिपी आपको कैसा लगा। एक कढ़ी का ये खाने में बहुत बढ़िया लगता है। बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि हमारा जो वीडियो बन रहा है उसका अगला अपडेट जो है आपके तक पहुंचे।
और आपका कमेंट्स हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो एक कड़ी जरूर घर में बनाए, ट्राई करें, खाए और हमें कमेंट्स करके बताए कि हमारा बनाया हुआ रेसिपी आपको कैसा लगा। तो जरूर बताए हमें कमेंट्स करके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।